झारखंड में सातवीं बार 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सभी जरूरी सामानों के प्रतिष्ठान छोड़ बाकी सब बंद हैं। हालांकि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले हैं। घर से निकलने पर वैध कारण बताना होगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें। तो वीकेंड लॉकडाउन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान खुले हैं, मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल खुले हैं, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट खुले हैं, रेस्टोरेंट, होटल से होम डिलीवरी और टेक होम की सुविधा है, एनएच और स्टेट हाईवे पर होटल और ढाबा खुले हैं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और दूध बिक्री से संबंधित दुकानें भी खुली हैं। आज कंप्लीट लॉकडाउन और देखिए इसमें बेवजह घरों से निकलने पर कार्रवाई की जा रही है। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए कि आप क्यों बाहर निकले हैं। सोमवार सुबह 6 बजे तक है ये वीकेंड लॉकडाउन। और चलिए फिलहाल आपको तस्वीरें हम रांची की दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं, अजय के पास चलते हैं। अजय, वीकेंड लॉकडाउन में पिछले कुछ जो अगर आप पिछले एक दो वीकेंड लॉकडाउन की तस्वीरें जो हमने दिखाई अपने दर्शकों को, उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि लोग कंप्लीट लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं। लोग बड़े आराम से सड़क पर निकल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जबकि ये सख्ती है कि आप ना निकलें सिर्फ इसलिए क्योंकि आप संक्रमण से बच सके। लेकिन इस बार क्या कुछ तस्वीर देखिए आरती, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहजानंद चौक के पास, जहाँ पर सीधी तस्वीरें हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विशाल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन तस्वीरों के माध्यम से बहुत कुछ समझा जा सकता है कि सड़कों का क्या हाल है। लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो बेवजह सड़क पर निकल रहे हैं। पूरी तस्वीर बयां कर रही है कि सड़कों पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे ही लोग सड़क पर निकल रहे हैं जिन्हें किसी काम से कहीं जाना है। चूँकि आज रविवार है, आज राजधानी रांची के विभिन्न वैक्सीन सेंटर पर बड़ी संख्या में हमने देखा कि वैक्सीन लेने वालों को भी की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आज कोविशील्ड का टीका कई जगहों पर दिया जा रहा है लोगों को, लिहाजा ऐसे विभिन्न सेंटरों पर जाने के लिए ही ऐसे लोगों को आप देख पाएंगे। लोग समझदार हो चुके हैं आरती। पहले वीकेंड लॉकडाउन हुआ था पहला दूसरा, उसके बाद से धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आ गया कि रविवार को घर पर रहना है। लिहाजा वैसे ही लोगों को आप देखेंगे सड़कों पर जो कहीं ना कहीं किसी काम से आ जा रहे हों, अन्यथा सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ नहीं है, दुकानें बंद हैं। और जो ऑटो चालक हैं वो उन्होंने भी अपने ऑटो को आज बंद करके रखा हुआ है। तो ये स्थिति है कि कम से कम इस वीकेंड लॉकडाउन जो होता है रविवार को लोग समझदारी का परिचय दे रहे हैं और कम से कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे ही प्रयासों से हम और आप कोविड-19 को पछाड़ सकते हैं, उससे जंग लड़ सकते हैं आरती। बिल्कुल अजय, और ये अगर सख्ती बरती गई है तो ये जिंदगी सुरक्षित करने के लिए सख्ती है, जिसके लिए गाइडलाइंस फॉलो करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं धनबाद से, धनबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। दिलीप, अब दोपहर हो चुके हैं, सुबह में तो जो तस्वीरें आपने दिखाई थी वो लग रहा था कि लोग थोड़े बहुत निकल रहे हैं सड़कों पर, फिलहाल क्या कुछ नजारा अब? देखिए
दोपहर का वक्त हो गया और थोड़ी सी गर्मी भी शहर में है, तो इसको लेकर के लॉकडाउन में लोगों की भीड़ अब पूरे तरीके से कम होती दिख रही है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था तो काफ़ी लोग सड़क पे दिख रहे थे, कुछ होटल्स की दुकानें खुली हुई थी और भीड़ भाड़ दिख रहा था, लेकिन अब दोपहर के बाद स्थिति पूरे तरीके से सामान्य हो गया और ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, लॉकडाउन का असर दिख रहा है। इक्का दुक्का लोग अभी भी गुजर रहे, क्योंकि हो सकता है उन्हें जरूरी काम हो, जरूरी काम से निकलना होगा इसलिए वो गुजर रहे, लेकिन कह सकते हैं लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। लेकिन ये स्थिति आपको जिस समय से लॉकडाउन की घोषणा होती है, लॉकडाउन लागू होता है, उसी समय से ऐसी स्थिति दिखनी चाहिए थी, क्योंकि लोग थोड़े से बेपरवाह दिख रहे थे, थोड़े से लापरवाह दिख रहे थे, और यही वजह है कि जहाँ तहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे, होटल में खाना खा रहे थे, दुकानदार भी सपोर्ट पूरे तरीके से नहीं कर रहे थे। लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के फैसले का समर्थन करना है, अगर लोग आते हैं उन्हें मास्क पहनने की हिदायत देना है, सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत देना है, और अगर आप खुद से जागरूक नहीं होंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो सरकार कुछ भी सख्ती कर ले उसका फायदा नहीं दिखेगा। लेकिन कह सकते धनबाद में दोपहर के बाद स्थिति कुछ अच्छी दिख रही है और लॉकडाउन का असर दिख रहा है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन का असर दिख रहा है और ये जरूरी भी है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, वहां की भी तस्वीर दिखाते हैं। जमशेदपुर चलते हैं सीधे। प्रभात, अभी फिलहाल वहां क्या कुछ तस्वीर लॉकडाउन में? बिल्कुल आरती, मैं पहले तस्वीर ही दिखा देना चाहता हूँ कि सुबह के वक्त तो थोड़ी से आवाजाही कम थी गाड़ियों की, लेकिन अगर अभी हम बात करें तो गाड़ियों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह आपको नजर आएगा। देखिए कैसे गाड़ियां आ रही है, ये संपूर्ण लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन की ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपनी में काम करने वाले हैं, जो टाटा कंपनी में काम करने जाते हैं, उनकी शिफ्ट ड्यूटी रहता है तो वो जा सकते हैं, उनको इजाजत है जाने की, वो अपने पास अपना आई कार्ड दिखाएंगे, उनको जाने की इजाजत है। लेकिन जिस तरीके से आरती में ऑटोस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले। देखिए सरकार, मैं सुबह के वक्त भी बताया था, सरकार अगर ऑटोस को चलाने की इजाजत दी है तो बस इसीलिए दी है कि अगर इमरजेंसी सेवा पड़े, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो या फिर वैक्सीन लेने जाना हो परिवार को, तो ऑटो से जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ऑटोस चल रहे हैं ये नहीं लग रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन है, ऐसे में सरकार को लॉकडाउन को हटा देना चाहिए, क्योंकि जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में बातें कह रहे हैं कि अगर खाली दुकानें बंद करने से अगर सरकार का संपूर्ण लॉकडाउन का मकसद है तो फिर दुकानें बाद बाकी चीजों को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, केवल दुकान ही बंद है, चाहे वो राशन कपड़े या अन्य चीजों की दुकान जो है वो दुकानें तो बंद रही, लेकिन आवाजाही जिस तरीके से हो रही है वो नहीं लग रहा आरती कि संपूर्ण लॉकडाउन है। ये समझा जा सकता है किस तरीके से जमशेदपुर में नजारा है। सुबह के वक्त हमने दिखाया था और सुबह के वक्त में मैं बाजार का मुआयना भी किया था, वहाँ सबसे ज्यादा ऑटोस चल रहे थे। ऐसे अमूमन देखिए मैं इसलिए ये इस तरीके से चल रहा है क्योंकि जब शहरी क्षेत्र में जब चेकिंग पॉइंट थे तो उस समय कहीं ना कहीं लोग थोड़े डरे समय थे प्रशासन के लोग से, लेकिन अब चेकिंग पॉइंट हटा दिए तो लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं, चाहे वो मानगो के क्षेत्र से हो या जुगसलाई जाना हो या साक्षी जाना हो, विष्णुपुर जाना हो, कहीं भी जाना लोग आराम से आना जाए, चूंकि चेकिंग पॉइंट है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो शहर के अंदर एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे चेकिंग पॉइंट्स है, वहाँ कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही लोगों को एंट्री करने दिया जा रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में बोले सबसे ज्यादा है तो ऑटोस चल रही है, आपको हमने तस्वीर दिखाई और अभी भी हमारे सामने से कैसे ऑटोस है जो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो ऑटोस चल रहे हैं, ऑटो में जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा, ना ही सैनिटाइज हो रहा ऑटोस में, तो इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो सरकार का मकसद है कोरोना का चैन को तोड़ने के लिए जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया है वो मकसद पूरा हो सके, अन्यथा आने वाले दिनों में जो हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और अगर लोग नहीं चेते तो, क्योंकि लोगों को ही बचाने के लिए, तीसरी लहर से बचाने के लिए ये वीकेंड लॉकडाउन अभी भी कंटिन्यू रखा गया, ताकि थोड़ी से जो कोरोना का जो यह है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर की बात कर रही है उससे लोगों को बचाया जा सके, वो लोग अपने आप को बचा दे। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आम लोगों की भी सहयोग होने की जरूरत है, क्योंकि आम लोग भी पिछले अगर हम बोले तीसरे चौथे और ये जो लॉकडाउन था वीकेंड लॉकडाउन उसमें लोगों ने पूरी तरह से पालन किया था, लोग घर पे ही थे, मानो लग रहा कि 2020 का लॉकडाउन पूर्णतः गाड़ी आवाजाही टोटली बंद थी, लेकिन अब ये हम कहें ये छठी और सातवीं लॉकडाउन में ये नजारा देखने को नहीं मिल रहा, लोग आवाजाही कर रहे हैं चाहे वो जिस काम से जा रहे, क्योंकि चेकिंग होने से तब पुलिस प्रशासन पूछेगा कि आप किस काम से जा रहे हैं, शहर में चेकिंग हो नहीं रही है, और पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस बल की कमी थी, पुलिस बल अब बैंक्स खुल गए हैं या सदर अस्पताल है या हॉस्पिटलों में जो लगातार पुलिस बल की कमी थी वहां पूर्ति की गई है, लेकिन ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, फिर इसका मकसद ही पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार अगर वीकेंड लॉकडाउन लगा रही है तो इसका मकसद है कि कोरोना का चैन को तोड़ना, ऐसे में यह स्थिति जमशेदपुर में तो नजर नहीं आ रही, चूंकि जिस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही है लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल ये स्थिति अब जमशेदपुर में देखने को मिल रही है। लेकिन जबकि देखिए जब संक्रमण का दौर था तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में
जमशेदपुर भी रहा है रांची के बाद। देखिए अजय, एक बहुत छोटा सा सवाल ये है मेरा कि अगर इस तरह से लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, हमने ये भी दिखाया है कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये निश्चित है कि थर्ड वेव आएगा ही, अगर इस तरह की लापरवाहियां होती रही तो फिर हम कैसे ये तस्दीक कर ले कि हम बहुत मजबूती से खड़े हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए तीसरी लहर को, जबकि सारे चीजें सरकार कर रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, अवेयरनेस की बात हो। आरती, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि लापरवाही यदि हमने और आपने दिखाई तो खामियाजा भी हमें और आपको ही भुगतना होगा। देखिए, कोई भी सरकारें हो, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या फिर किसी अन्य राज्य की सरकार हो, तमाम लोगों के पीछे सरकार पुलिस बहाल नहीं कर सकती, डंडे की भाषा सरकार नहीं समझा सकती। लिहाजा सरकार सिर्फ समझा सकती है, एहतियात बता सकती है। देखिए, किसी भी प्रशासन के लिए संभव नहीं है कि हर दरवाजे के बाहर एक पुलिसकर्मी खड़ा हो। लिहाजा एहतियात हमें और आपको बरतना होगा, झारखंड के लोगों को बरतना होगा, रांची के लोगों को बरतनी होगी कि ये लापरवाही ऐसा ना हो कि थर्ड वेव को हम निमंत्रण देने के लिए आतुर हों। कई जानकार ये कहते हैं, मेडिकल के एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि यदि सावधानी लगातार बरती जाती रही तो थर्ड वेव को हम रोक सकते हैं, लेकिन यदि लापरवाही हमने दिखाई, भीड़ भाड़ के इलाकों में हम गए, सब्जी खरीदने यदि झुंड के झुंड लोग गए, तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। लिहाजा समझदारी लोगों को दिखानी होगी, हमें और आपको दिखानी होगी कि हम जरूरी काम बेशक करें, लेकिन जिस हद तक हमारी सावधानी होनी चाहिए वहाँ तक हम जरूर आए। ऐसा नहीं है कि आप भीड़ भाड़ में जाए, जैसे कि मैं अभी अकेले में खड़ा हूँ, लिहाजा मेरे अगल बगल कोई भी नहीं है, तो हालांकि हमने मास्क रखा है, बावजूद इसके तो इस प्रकार की सावधानी हो। जैसे ही मैं यहाँ से किसी कवरेज के लिए किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा तो मैं मास्क का प्रयोग करूंगा। इसी प्रकार की सावधानी की बात राज्य सरकार, जिला प्रशासन कह रहा है। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स आप मास्क लगा कर रहें। सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यदि आप लोगों के संपर्क में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम सप्ताह में एक दिन जो प्रशासन हिदायत दे रहा है कि आप अपने घरों में रहें। अपने घरों में रहने का मतलब ये नहीं कि आप भूखे प्यासे रहें, कम से कम गतिविधि आप अपनी दिखाएं, तभी हम इस कोरोना के थर्ड वेव को रोक सकते हैं। अन्यथा जैसा कि हमने देखा कि अप्रैल का दूसरा और तीसरा सप्ताह और मई का पहला दूसरा सप्ताह ऐसा लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, और यही चीजें सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि भाई अगर आप जरा से लापरवाह हुए, जरा सी भी चूक हुई, तो फिर जो अप्रैल और मई का महीना जो हमने झेला है इस साल, कहीं वापस वो तस्वीर ना देखनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप, प्रभात और अजय, आप तीनों का। तो देखिए, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं जहां पर ये लगता नहीं कि लोग वीकेंड लॉकडाउन जो चल रहा है उसका पालन कर रहे हैं। इसलिए घरों में रहिए, सेफ रहिएगा और दूसरों को भी सेफ रखिएगा।